लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीबी न्यूज में आपका स्वागत है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। जी हाँ, कुछ ऐसे ही हैं इंडियन क्रिकेट टीम के फिरकी किंग हरभजन सिंह, जिनकी जिंदगी में कदम कदम पर मुसीबतों ने दस्तक दिया, पर पाजी कभी नहीं रुके। और पिता की मौत के बाद वे अपने परिवार की बागडोर संभालते हुए वर्ल्ड क्रिकेट में जीत का तिरंगा कप फहराने में कामयाब रहे। हरभजन सिंह इंडियन क्रिकेट टीम के एक बहुत ही पॉपुलर प्लेयर है। शायद ही कोई ऐसा इंडियन क्रिकेट प्रेमी होगा जो हरभजन सिंह का नाम ना सुना होगा। बीसीसीआई ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों का सालाना कॉन्ट्रैक्ट जारी किया है। इस नए कॉन्ट्रैक्ट में सभी खिलाड़ियों की मैच फीस में भारी इजाफा हो गया है। बीसीसीआई ने राशि को दोगुना करते हुए नया कॉन्ट्रैक्ट जारी किया है। इससे सभी भारतीय खिलाड़ी खुश हैं, लेकिन इनके साथ खेल चुके हरभजन सिंह और सुरेश रैना निराश हैं, क्योंकि कभी भारतीय टीम के लिए जरूरी रहे इन दोनों खिलाड़ियों को बीसीसीआई ने किसी भी ग्रेड में जगह नहीं दी गई है। भारतीय क्रिकेट के स्टार स्पिनर रहे हरभजन सिंह को बीसीसीआई ने अपनी एनुअल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर कर दिया है। हरभजन पिछले साल भर से भारतीय टीम से बाहर हैं। वहीं उन्होंने आखिरी टेस्ट मैच अगस्त 2015 में खेला था। हरभजन सिंह का जन्म पंजाब के जालंधर शहर में सरदार सर देव सिंह प्लाहा के घर हुआ था। उनके पिता का मशीन पार्ट्स का छोटा सा काम था। हरभजन की मां अवतार कौर हाउसवाइफ रही हैं। वहीं उनकी तीन बहनें भी हैं। साल 2000 में जब भजी केवल 20 साल के थे, तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। कम उम्र में घर की जिम्मेदारी आ जाने से भजी का क्रिकेट करियर भी खतरे में पड़ गया था, लेकिन फिर भी पिता का सपना पूरा करने के लिए उन्होंने कई मुश्किलों के बाद भी क्रिकेट खेलना नहीं छोड़ा। हरभजन खुद को अच्छा क्रिकेटर बनते देखना चाहते थे, इसलिए कई बार बीमार होने के बाद भी कभी प्रैक्टिस सेशन नहीं छोड़ते थे। वे दिन में तीन बार दौलतपुर स्थित प्रैक्टिस ग्राउंड में क्रिकेट खेलने जाते थे। उस वक्त उनके पास स्कूटर नहीं था, वे साइकिल से ही जाते थे। कई बार जब शाम को लाइट चली जाती थी तो पार्क में खड़े स्कूटर की हेडलाइट जलवाकर वे बॉलिंग प्रैक्टिस करते थे। एक वक्त पर स्कूटर तक नहीं खरीद पाने वाले भजी आज करोड़ों रुपए वाली कई गाड़ियां चलाते हैं। आज करीब 1 करोड़ रुपए की हमर गाड़ी में घूमने वाले हरभजन के पास एक वक्त स्कूटर खरीदने के पैसे भी नहीं थे।